वक्ती तौर पर उनकी बीमारी की वजह से अपोजिशन ने अपनी स्ट्रेटेजी जरूर तब्दील की है, जिसका फायदा हुकूमत को पहुंच रहा है, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। कल तक में गुफ्तगू कर रहे हैं हुमायूं अख्तर और मौजू यही है अपोजिशन का लॉन्ग मार्च धरना, इसी वाले से बात कर रहे हैं। वॉच दिस, क्या फैसला किया कि जब ये मार्च आएंगे तो गवर्नमेंट रोकेगी या नहीं रोकेगी, क्योंकि एक खबर ये भी चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि रोके इनको यहाँ इस्लामाबाद में। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई इस तरह के इरादे नहीं है, जो कोर्ट्स के फैसले हैं और जो प्राइम मिनिस्टर 450 कंटेनर तो इस्लामाबाद पहुंचे हुए सर, अगर आपने मैं ज्यादा देखिए आजकल का जो माहौल है इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान जो मुख्तलिफ किस्म के जो जरा मेरी गुजारिश सुन लें मौलाना साहब, जो जिस तरह के हालात हैं इधर मुख्तलिफ ग्रोह हैं, किसी के पीछे इंडिया बैठा है, किसी के पीछे फलां ताकत बैठी है, वो आके गड़बड़ कर रहा है। हम आपकी पार्टी अगर हम सिर्फ हम कंटेनर ले आए थे, हम कंटेनर आजकल के हालात की मैं बात बता दूं, हम कंटेनर इसे रख रहे हैं कि अवामुन नास का तहफ़ फराम किया जा सके, उनको तकलीफ न पहुंचे, और ये जो एहतजाज करने आ रहे हैं इनको तहफ़ फराम किया जा सके। हुकूमत को इन्फॉर्मेशन है कि बहुत से ऐसे ग्रोह फिर रहे हैं ताक में कि कोई गड़बड़ की। उस वक्त इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब के बारे में भी थी और अलामा साहब के बारे में थी, प्रॉपर मैं तो आपको आज की बात बता कुछ भी हो सकता है। वो अल्लाह ताला ने खैरियत से गुजार दिया, ये वक्त तो अभी आना है। तो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है, उसे चोरी निसार साहब बार बार एक खत लहराते थे कि ये देखिए इन्फॉर्मेशन। मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है, मैं तफसील नहीं बता सकता कि तखरीबकारी के इम्कानात मौजूद हैं। लगता यू कि हुकूमत तो चल ही नहीं रही, हुकूमत का अब कोई बस भी नहीं चल रहा। मौलाना के आजादी मार्च ने हुकूमत को बेबस करके रख दिया है, ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। तैयारियां तो थी कि आजादी मार्च वालों का डंडों से इस्तकबाल करेंगे, उन्हें फेंटी लगाकर नानी याद दिलाएंगे, लेकिन मौलाना ने दो तीन ट्रेलर ऐसे दिखा दिए कि ईंट का जवाब पत्थर से आने का खदशा है। तो पहले गिरफ्तारियों से डराने की कोशिश की तो नाकामी हुई, अब जुलूस में तहरीबकारी से डराया जा रहा है, उसके बाद इजाजत भी दे दी, लेकिन इस्लामाबाद वालों को कंटेनर लगाकर खौफ ज्यादा कर दिया, यानी इस्लामाबाद कंटेनरों में महबूस होकर रह गया, जबकि हुकूमत का मौकफ यह कि कंटेनर अवाम की हिफाजत के लिए लगाए गए हैं। तो यहां सवाल यह बनता है कि जो आजादी मार्च में लोग शरीक होंगे क्या वो अवाम नहीं है? उनकी हिफाजत करना हुकूमत का फर्ज नहीं? क्या सिर्फ वो अवाम है जिन्हें कंटेनरों के हिसार में बंद कर दिया गया है? तो हुक्मरान जमात का जो असल कंफ्यूजन है वो यही है कि वो सियासी मुखालफिन और उनके वोटर और सपोर्टर को अपने अवाम नहीं समझते, बल्कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे समझते हैं।